प्रदेश के लिए ब्लैक फंगस एक नया चैलेंज है, लेकिन इसमें लगाए जाने वाले इंजेक्शन की कमी की खबरें भी जगह जगह से सामने आ रही। हमने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से इसी बारे में बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समस्या का फौरन हल निकाला जाएगा। क्या कुछ कदम आपके मंत्रालय की तरफ से उठाए जाते हैं? ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगता है और एक पेशेंट को 50 से लेके 150 इंजेक्शन लगता है। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने केवल एक सप्ताह में 5 नई कंपनी को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का प्रोडक्शन करने के लिए परमिशन दे दिया। कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पे इंजेक्शन नहीं है लेकिन पेशेंट हैं, उनको उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इंजेक्शन नहीं है तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन कि देश में थोड़ी सी कमी महसूस होने लगी तो हमने एक निर्णय लिया कि कोई स्टेट में ज़्यादा चले जाए, कोई स्टेट में पेशेंट हो ना हो, अव्यवस्था ना हो जाए, उसको मैनेज करने के लिए हमने उसका रेशनलाइजेशन किया है। जो हमारे पास इंजेक्शन आता है सभी स्टेट में एक्टिव केस के आधार पर हम अलॉटमेंट देते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।